एडिशन की बात करेंगे हम लोग इनिशियल एडिशन की बात करेंगे हम लोग इनिशिएशन की बात करेंगे हम लोग इलागेशन की बात करेंगे हम लोग टर्मिनेशन की बात करेंगे हम लोग सिग्मा फैक्टर की बात करेंगे हम लोग रो फैक्टर की बात करेंगे ठीक है और हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ आर एन आर एन ए कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है बहुत ही इजी वे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा जो है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन का ये सेकेंड टॉपिक है बेटा इसके बाद मैं ट्रांसलेशन ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा ट्रांसक्रिप्शन अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो होता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इस डबल इस्टैंडर्ड डीएनए से अगर हम लोग देखें ये न्यूक्लियोटाइड ये बेसिस अटैच हैं इस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बेटा ठीक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब फॉर्मेशन होता है अब इसमें क्या होता है अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं होता क्या है कि ये पार्ट एक है डीएनए का इस पार्ट से कोई और आरएनए का फॉर्मेशन होगा ठीक इतने पार्ट से भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा ठीक और आगे अगर हम लोग देखें तो ये इस पार्ट से एक नए आर का फॉर्मेशन होगा और इस पार्ट से कुछ दूसरे आर का फॉर्मेशन होगा आज हम लोग इसकी बात करेंगे ठीक है ना तो अगर हम लोग देखें बेटा इस डीएनए के सेगमेंट से आर का फॉर्मेशन होना मैंने आप लोगों को डिटेल बताया था कि किस स्टैंड से फॉर्मेशन होगा अगर इसको थ्री और इसको फाइव और इसको फाइव और इसको थ्री पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें जाने से लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होनी तो आप पहला लेक्चर जरूर देखिए उसके बाद ये समझ में आएगा तो यानी डीएनए के एक सेगमेंट से पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए से नए आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है किसी से बेटा आर आर एन ए का फॉर्मेशन होता है यानी आर का मतलब होता है बेटा राइबोसोमल आर एन ए का फॉर्मेशन होता है ठीक है ना जैसे इस तरीके से अगर हम लोग देखें जो है ठीक इसमें आर एन ए का स्टैंड है ठीक है ये राइबोसोम है इस तरीके से आर एन ए के स्टैंड राइबोसोमल आर एन ए का फॉर्मेशन होता है किसी से फॉर्मेशन होता है बेटा इसी से अगर हम लोग देखें मैसेंजर आर का फॉर्मेशन होता है यानी एम आर का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है बेटा एम आर का फॉर्मेशन होता है इसी अगले मालिक्यूल से यानी डीएनए के सेगमेंट से फॉर्मेशन होता है बेटा टी आर का किसका फॉर्मेशन होता है बेटा टी आर का फॉर्मेशन होता है ये जो टी आर होता है इसमें रिपीट न्यूक्लियोटाइड के सिक्वेंसेज होते हैं जैसे यहाँ पे जी 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 है तो यहाँ पे सी 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 है तो ये लोग क्या करते हैं आपस में लूप का फॉर्मेशन करते हैं यानी ये लोग सिंगल स्टैंड हैं बट इट हैव अ डबल स्टैंडर्ड रीजन जैसे ये क्या करेंगे आपस में लूप का फॉर्मेशन करते हैं अब ये लोग क्या करेंगे पास आना चाहेंगे ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा अब देखिए इन्होंने लूप बना लिया ये सी 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 हैं और यहाँ पे ये जी 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 ये लूप का फॉर्मेशन करते हैं यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन करने लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड ही बट जी सी सी दूर होते हैं तो लूप के फॉर्मेशन से यानी बाउंड बनाने लगते हैं क्लियर है बात तो ये बाउंड बनाते हैं कुछ इस तरीके से ठीक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनका जो है नजर आता है ठीक है ना इसमें भी कुछ रीजन ऐसे होते हैं कॉम्प्लीमेंटरीटी शो करते हैं एक दूसरे के और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है ना यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्टर रीजन होता है ठीक है क्या होता है बेटा अमीनो एसिड एक्सेप्टर रीजन इसकी बात हम लोग डिटेल करेंगे अभी ठीक है यानी टी का फॉर्मेशन हुआ फिर क्या होता है बेटा एक स्मॉल अगले सेगमेंट से स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है बेटा जी ऑलवेज पाए जाते हैं यूकैरियोट में कहां पाए जाएंगे बेटा यूकैरियोट के अंदर पाए जाएंगे क्योंकि जो डीएनए होते हैं बेटा डीएनए मोस्टली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बट आरएनए मोस्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ठीक है ना बट

आपको बताने जा रहा हूं अगर यहां तक बात समझ में आ रही हो बताइए भाई सब लोग हम लोग बेटा अगर यहाँ पे देखें फंक्शंस अगर हम लोग देखें तो जो एमआरएनए होता है बेटा ये एमआरएनए टेम्पलेट की तरह टेंपलेट स्टैंड प्रोवाइड करता है कौन सा स्टैंड टेंपलेट स्टैंड प्रोवाइड करता है एमआरएनए के बारे में हम लोग डिटेल जाएंगे एक-एक आरएनए के बारे में और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो होता है बेटा ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है कैटालिटिक स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है ठीक है और टीआरएनए क्या करता है एक्सेप्ट करता है एसिड्स को एंड रीड करता है जेनेटिक कोड को एंड रीड दी जेनेटिक कोड ठीक है ना टी आर एन एक्सेप्ट दमीनो एसिड्स एंड द रीड जेनेटिक कोड एंड स्मॉल न्यूक्स एन आर एन एज प्रजेंट ओनली न्यूक्लियस सो तो इट इज प्रेजेंट इन दू कर बट अगर हम लोग बात करें बेटा जो है एबंडेंसी का ऑर्डर देख लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है तो एबंडेंस में अगर हम लोग देखें स्टेबिलिटी में दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें और एबंडेंसी का ऑर्डर देखें एबंडेंसी का ऑर्डर और अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी आप याद रखिएगा बेटा आर टी एम मोस्ट स्टेबल होता है आर आर एन देन टी आर एन एंड देन एम आर एन ए ठीक है ना क्लियर है और एबंडेंसी में अगर हम लोग बात करें बेटा तो यही सीक्वेंस होता है आर टी एम क्लियर है जो आर आर एन ए होता है बेटा ये एट्टी परसेंट पाया जाता है टी आर एन ए जो होता है ये फिफ्टीन परसेंट पाया जाता है एम आर एन ए जो होता है ये फाइव परसेंट पाया जाता है क्लियर है बात सब लोग फटाफट लिखें जो है एम आर एन ए जो होता है बेटा ठीक है चलिए अगर ये बात क्लियर हो तो मैं आगे मूव करूं मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये याद रखिएगा आप और एमरडेंसी का दोनों का सेम है अगर हम लोग लेंथ की बात करें बेटा लेंथ आ, क्या यहां दिख रहा है बेटा सबको मशहद जरा देखो दिख रहा है अगर हम लोग लेंथ की बात करें बेटा कि लेंथ किसकी ये दिख रहा है यहाँ उसमें से ठीक है अगर हम लोग लेंथ की बात करें बेटा तो लेंथ सबसे ज्यादा जो होती है मिस्टर टी याद रखिएगा ठीक जो लेंथ सबसे ज्यादा होती है वो एम आर एन ए की होती है देन आर आर एन ए देन टी आर एन ए टी आर एन एज वेरी टाइनी आर एन ए या टिनी आर एन ए ठीक है ना टिनी आर एन ए होता है जो ये होता है ये सेवनटी फाइव तो टू नाइनटी न्यूक्लियोटाइड्स के बस बने होते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड्स बेटा सेवेंटी फाइव तो टू नाइन्टी न्यूक्लियोटाइड्स ही बस होते हैं टी आर एन ए में तो याद रखिएगा लेंथ में मिस्टर टी ए स्टेबिलिटी का ऑर्डर आर टी एम ठीक है ना एबंडेंसी का ऑर्डर आर टी एम क्लियर है बात ये मेरे ख्याल से बात आप लोगों को याद होनी चाहिए अब मैं थोड़ा सा इसमें एक एक आर को उठा रहा हूँ फिर उसके बारे में डिटेल बात कर रहे हैं क्लियर है चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ये डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या होता है ठीक है ना अब देखिए डीएनए से डीएनए का बनना हम लोगों ने पढ़ा था बेटा रिप्लीकेशन कहलाता है ठीक है ना अब डीएनए से जब नया स्टैंड का फॉर्मेशन होता है तो एक स्टैंड एक स्टैंड दोनों स्टैंड कॉपीड होते हैं ठीक है ना लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं है डीएनए वर्सेस आरएनए ये मुझे अलग से टॉपिक बनाना चाहिए लेकिन मैं इसमें बता रहा हूं आप लोग देखिएगा डीएनए में पहला डिफरेंस बेटा हो जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसमें क्या होती है ऑक्सीराइबोज़ शुगर होती है आपको यह बात पता होगा ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ठीक है ना एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है क्या होती है बेटा एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जबकि इसके अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है डी का मतलब होता है कि रिमूवल ओएच ग्रुप डी से होता है दूसरी पोजीशन पे यानी सेकंड पोजीशन पे इसमें बेटा ओ ग्रुप नहीं होता है इसी वजह से डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा आर से आर एन अनस्टेबल होता है ठीक है ना चौथी चीज डीएनए लेस रिएक्टिव होता है डीएनए जो होता है बेटा ये लेस रिएक्टिव होता है जबकि

डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज जबकि यहां पे होते हैं आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्लियर है यहां पे क्या होता है बोथ स्टैंड बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉपीड या एक्ट एज ए टेम्पलेट यहां पे ओनली वन स्टैंड ओनली वन स्टैंड से ही फॉर्मेशन होता है ठीक है टेम्पलेट की तरह काम करता है यहां पे क्या होता है बेटा बहुत ही प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग होती है बहुत ही प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग होती है जबकि यहां पे उतना फेथफुल फेथफुल प्रूफ रीडिंग नहीं होती है प्रूफ रीडिंग वॉज नॉट डन ये क्यों ऐसा है क्योंकि अगर डी एन ए से आपने पढ़ा होगा डी एन एक्ट एज ए जेनेटिक मैटेरियल डीएनए जे जो है ट्रांसफर होता है बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जबकि आर एन ए नहीं कुछ वायरसेस में आर एन ए भी करता है काम अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग डीएनए को बहुत ही प्रोफेशनल वे में प्रूफ रीडिंग नहीं होगी कोई भी सडन चेंजेस हो जाए तो एक दो चेंजेस होने की वजह से जनरेशन टू जनरेशन वो बीमारियां ट्रांसफर करेंगी म्यूटेशंस होता रहेगा क्योंकि म्यूटेशंस क्या है म्यूटेशंस परमानेंट चेंज है इन द डीएनए सीक्वेंसेस एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अंदर जनरेशन बिकॉज डीएनए एन एक्टर जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए are not so translation is very professional proofreading process professional way faithful process but in transcription if thousand transcriptions takes place in one to two step sudden changes occur uh, so it not transfer in the second generation because it not act as a genetic material okay so uh इन ट्रांसक्रिप्शन इफ म्यूटेशन देन इट कैटाइज कैटाबुलाइज इन आवर बॉडी सो इट नॉट आई अपीयर इन दैक्सट जनरेशन क्लियर बट इन ट्रांसलेशन इज वेरी फेथफुल प्रोसेस नवर सडन म्यूटेशन चेंज इफ सडन म्यूटेशन चेंज देन इट ट्रांसफर टू दैक्स्ट जनरेशन ओके मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ठीक है ना बेटा और डीएनए क्या है बेटा डीएनए इज अ बिग मॉलिक्यूल दूसरी चीज डीएनए बिग मॉलिक्यूल है जबकि आर एन अ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा कि आप देख रहे हैं कोई बड़ी चीज से छोटी चीज ही जन्म लेती है ठीक है ना तो डीएनए क्या है एक बिग मॉलिक्यूल है जबकि आर एन ए एक स्मॉल मॉलिक्यूल है बताइए भाई क्या पूरी बात समझ में आ रही है अगर पूरी बात समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं ठीक है बाकी कुछ कुछ पॉइंट आपको पहले से ही पता होगा जो है मेरे ख्याल से ये बताने की बात नहीं है आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए होता है ये बेटा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जबकि आरएनए जो होता है बेटा ये आरएनए साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर आरएनए साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं ठीक है और डीएनए में ये भी बात पता होगा आपको थाइमिन पाई जाती है इसी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जबकि आर में यूरेसिल पाया जाता है ये सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ अब ये सब इतना पॉइंट मेरे ख्याल से कवर हो गया अब हम लोग आगे आगे मूव करते हैं अब हम लोग बात करते हैं बेटा जो है एक एक आर को हम लोग उठा के बात करते हैं हम लोग जो है बेटा बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो है हम पहले लेक्चर में प्रोमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चर इस इस्ट्रक्चर की बात में बता चुका हूँ मैं नहीं बताने जा रहा मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ये थ्री टू फाइव है बेटा तो ये फाइव टू थ्री है अब आपको ये बात पता है कि जो भी नए स्टैंड की सिंथेसिस होती है ये ऑलवेज फाइव टू थ्री डायरेक्शन में होती है यानी किस स्टैंड से बेटा इस वाले रीजन में अगर प्रोमोटर लगा हुआ है मान लीजिए तो आरएनए का फॉर्मेशन किस वाले स्टैंड से होगा बेटा बताइए जो भी नया बनता है पांच से तीन बनेगा तो पांच से तीन क्या बन सकता है नहीं तो हमेशा क्या बनेगा इस वाले स्टैंड से बनेगा ठीक है ना जिस स्टैंड से नए आर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बता दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा टेम्पलेट बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं सेंस स्टैंड या हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंस या हम लोग बोलते हैं जो है एंटी कोडिंग सिक्वेंस इतना नाम है बेटा टेम्पलेट कहें, सेंस कहें पॉजिटिव सेंस स्टैंड कहें या पॉजिटिव स्टैंड कहें या एंटी कोडिंग सीक्वेंस का एंटी कोडिंग ठीक है ना तो अब हम लोग बात करते हैं ये पाँच से तीन जो फॉर्मेशन हो रहा है जो है आर एन ए का इसको हम लोग बोलते हैं यानी हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा पोस्ट हेडिंग में बता दूं आपको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन में यानी ये जो डीएनए के स्टैंड से फॉर्मेशन हो रहा है बेटा आरएनए का ये जो आरएनए बन रहा है इसमें क्या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्लियर है बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है कुछ जो है चीजें इनिशियल रीजन में यानी फाइव इंड पे एडिशन होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको इनिशियल एडिशन क्या बोलते हैं बेटा ये बताएंगे हम क्या होता है इनिशियल एडिशन होता है ठीक है ना अब यहां पे क्या होता है कुछ इंट्रॉन होते हैं कुछ एग्जॉन होते हैं तो रिमूवल होता है रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ इंटरनल सेगमेंट इंटरनल सेगमेंट ऑफ डी जब रिमूवल होता है इंटरनल सेगमेंट ऑफ डीएनए तो हम लोग जो है अब किसको रिमूव करते हैं ये हम बताएंगे अभी ठीक है ना तो इंट्रॉन या एग्जॉन किसको हम लोग रिमूव करते हैं बेटा रिमूवल ऑफ द इंटरनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ठीक या हम लोग कहें इंटरनल पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए रिमूव ठीक है तो हम लोग एग्जॉन या इंट्रॉन तो हम लोग इंट्रॉन को रिमूव करते हैं बिकॉज इंट्रॉन आर नॉट अ कोडिंग इट इज अ वेस्ट सीक्वेंसेस एग्जॉन इज अच्छा एग्जॉन अच्छा 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 सिक्वेंस है तो इसको हम लोग जो है इसमें रहने देते हैं ठीक है ना और यहां पे बेटा टर्मिनल एडिशन होता है टर्मिनल एडिशन होता है ठीक दूसरी चीज यहीं पे बेटा इंटरनल स्ट्रेचिंग होती है क्या होती है इंटरनल स्ट्रेचिंग इंटरनल स्ट्रेचिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग ठीक है तो क्या क्या हुआ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस इंटर इनिशियल एडिशन रिमूवल एडिशन ऑफ लीजिए आप ये है, क्लियर? तो जब मैं इंट्रॉन को हटाऊंगा जब मैं इंट्रॉन को हटाऊंगा तो ये क्या हो गया बेटा जगह खाली हो गई तो ये स्ट्रेच हो जाता है स्ट्रेचिंग हो जाती है यहां पे, खिंचाव थोड़ा सा हो जाता है ठीक है ना तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरनल सेगमेंट कार्ड स्प्लाइसिंग क्लियर है क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हमने कितना किया बेटा चार मोडिफिकेशन हम लोगों ने किए बताइए भाई क्लियर है सबको हम लोगों ने क्या किया टर्मिनल एडिशन किया इनिशियल एडिशन किया स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरनल सेगमेंट किया इंटरनल सेगमेंट का रिमूवल किया जिसमें हम लोग इंटॉन को रिमूव करते हैं ठीक है बेटा मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ठीक है चलिए अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं जो है यानी ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी ही पड़ेंगी अभी हम इसमें डिटेल जाएंगे थोड़ा सा जो है चीजों को बताएंगे आप लोगों को सी एन सिस्टॉन सेगमेंट ऑफ डी एन ए जो कोड करता है एक, आ, किसी न किसी पोलिपटाइट को और एक इंटरनल यानी डीएनए के लॉन्ग सीक्वेंसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे यूजफुल नहीं होती हैं तो हम लोग इसमें कह सकते हैं बेटा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एग्जॉन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एंड रिमूव कह सकते हैं ना कि इंट्रॉन तो रिमूव हो गया तो एग्जान ही ट्रांसक्राइब हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एग्जॉन का ही सिक... ठीक है तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्लियर है मेरे ख्याल से बात फिर हम लोग फर्दर डिटेल में जा रहे हैं अभी चलिए मैं इसको रफ करता हूं मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ठीक है ना अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले टी आर एन ए की हम लोग जो है जो है बात कर लेते हैं आर आर एन ए की अगर हम लोग आर आर एन ए की बात करें तो आर आर एन ए में हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो है आर आर एन ए जो होता है बेटा ये एट्टी परसेंट होता है मोस्ट एबंडेंट होता है राइबोसोमल आर एन ए बोलते हैं राइबोसोमल आर एन ए इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आर एन एसोसिएटेड विद प्रोटीन किससे एसोसिएट होता है बेटा प्रोटीन से यानी जो आर एन ए होता है ये एसोसिएटेड होता है प्रोटीन के साथ तो हम लोग जो है बोलते हैं राइबोसोमल आर एन ए क्लियर है अब इसी आर आर एन ए में अगर हम लोग देखें अलग अलग होता है बेटा यू के लिए और प्रो के लिए ठीक है ना अगर हम लोग यू की बात करते हैं तो एक चीज और याद कर करिएगा आप लोग रो मत ठीक है ना रो मत ये सबका बता दे रहा हूं एक साथ रो मत वन टू थ्री ठीक है ना रो मत ठीक है ना आर एन को, को आर एन ए को कौन ट्रांसक्राइब करेगा को आर एन ए पॉलीमरेज थ्री तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कौन कौन से इंजाम किसको कराएंगे ये आप याद रखिएगा तो यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा जो है इसमें जो होता है अट्ठारह एस अट्ठाईस एस एन फाइव पॉइंट एट फाइव पॉइंट एट एस एस क्या है स्वीटबर्ग यूनिट ठीक है ना इतने टाइप के पाए जाते हैं आर अगर हम लोग देखें आर आर एन में बेटा क्या क्या होते हैं अट्ठाईस एस अट्ठारह एस फाइव पॉइंट चलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ अट्ठाईस एस अट्ठारह एस फाइव पॉइंट एट एस ऐसे याद रखिएगा. मम्मी नहीं पापा मम्मी उसके बच्चे अट्ठाइस एस अट्ठारह एस फाइव पॉइंट एट एस जबकि प्रोकैरियोट में जो होते हैं बेटा ये होते हैं ट्वेंटी सिक्स एस सिक्सटीन एस और फाइव एस ठीक है में जो होते हैं ट्वेंटी सिक्स एस सिक्सटीन एस और फाइव एस होते हैं क्लियर तो ये आप याद रखिएगा ठीक है ना बेटा अब अगला जो है हम अगले आर की बात करने जा रहे हैं बात की आरएनए में अगर हम लोग देखें ठीक टी आर में खास चीज सबसे पहले टाइनी आर है यानी टिनी आर है सबसे स्मॉलेस्ट आर है ठीक है ना बेटा और इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है बेटा फिफ्टीन परसेंट और इसके अंदर इसकी कुछ ख़ास चीज़ है इसका जो स्ट्रक्चर इस होता है लीफ क्लोवर लीफ लाइक होता है कैसा होता है बेटा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो ये होता है ये टू डायमेंशनल होता है जो क्लोवर लीफ होती है बेटा वो इस तरीके से होती है ठीक है ना इस तरीके से मैंने उल्टी बना दिया है इसको मैं ऐसे बना दूं इस तरीके से होती है क्लोवर लीफ लाइक इस वजह से इसका स्ट्रक्चर इस जो होता है ये देखिए आप बिल्कुल क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता ठीक है।, है ना जिसको जो टू डायमेंशन होता है और इसका स्ट्रक्चर इस इन्वर्टेड एल शेप होता है जो बेटा थ्री डायमेंशनल होता है ये याद रखिएगा आप यही जो टी आर एन ए है बेटा ये एडाप्टर की तरह काम करता है एडाप्टर या हम लोग कहें अमीनो एसिड एक्सेप्टर अमीनो एसिड एक्सेप्टर होता है जो अमीनो एसिड यहाँ आके अटैच होते हैं बेटा ठीक यही इसके अंदर जैसे मान लीजिए आओ जी एंटी कोडॉन लूप होता है क्या होता है इसके अंदर एंटी कोडॉन लूप क्लियरली समझिए बेटा यानी टाइनी होता है पंद्रह परसेंट होता है क्लोर ली की स्ट्रक्चर है टू डायमेंशनल जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्टीरियल शेप है थ्री डायमेंशनल होता है एडेप्टर की तरह काम करता है एसिड एक्सेप्टर है एंड रीड जेनेटिक कोड एंड रीड जेनेटिक कोड मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को जे कोड को रीड करता है एंटी कोडाउन लूप होता है इससे फॉर्मेशन होता है बेटा एम आर एन ए जो कोडाउन लूप होता है जिसको हम लोग एम आर एन ए को बोलते हैं हम लोग कोडिंग कोडाउन लूप अब बताइए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए की जगह यू यू की जगह ए जी की जगह सी इस तरीके से फॉर्मेशन होगा ठीक है ना क्योंकि आर एन ए है टी तो आएगा नहीं उसकी जगह पे तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी खत्म कर लेते हैं बेटा मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है हम लोग बात कर लेते हैं बेटा की ठीक है ना की बात कर ले में कुछ खास चीज होती है जो जिसके अंदर हो रही है जिस के अंदर, उस आर एन ए में बता रहा हूँ बेटा याद रखिएगा एम आर एन ए की खास चीज क्या है एम आर एन ए की कुछ प्रॉपर्टी आप लोग बताइए एक्ट एज ए टेम्पलेट ठीक इसके अंदर अगर हम लोग देखें बेटा ए टी एम स्टेबिलिटी क्या होती है सबसे कम होती है स्टेबिलिटी सबसे कम होती है उसके बाद ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ फाइव परसेंट हम लोग मैसेंजर आर एन ए बोलते हैं क्योंकि मैसेज यही लेके जाता है ठीक है ना मैसेंजर आर एन ए बोलते हैं इसकी खास चीज क्या होती है कि ये आर एन ए का है सिक्वेंस क्या है बेटा आर एन ए का सिक्वेंस है जी तो इसमें एक इंड जो होता है फाइव इंड होता है एक होता है थ्री इंड ठीक है इसमें ये सीक्वेंसेज होते हैं ठीक इसके बाद ये जो सिक्वेंसेज होते हैं इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं ताकि बात समझ में आए ये जो सीक्वेंसेज होते हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन ट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं इसी तरह यहाँ भी एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग यू टी आर बोलते हैं यानी अन ट्रांसलेटेड रीजन ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं होगा क्लियर है इसी पे एडिशन चीज होती है ठीक है इसी पे अटैचमेंट होता है इस तरीके से जिसका नाम होता है बेटा सेवन मिथाइल यानी हम लोग कहें कैपिंग होती है सेवन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह के अंदर होती है बेटा याद रखिएगा सेवन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैपिंग क्या बोलते हैं कैपिंग कैपिंग पी से कैपिंग पी से पांच कैपिंग हमेशा पांच पे होती है और इस वाले रीजन में जो होता है बेटा वो एडिनिन एडिनिन, एडिनिन एडिनिन, एडिनिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है एडिनिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं एडिनाइलेट रीजन कौन सा रीजन बोलते हैं इसको बेटा एडिनाइलेट रीजन कितने? 200 दो सौ से लगभग तीन सौ पाए जाते हैं ठीक है ना तो एडिनाइलेट एडिनाइलेट रेसिड्यू एडिनिन रीजन बहुत ज्यादा पाया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एडिनाइलेट रीजन और एडिनाइलेट रेसिड्यूज और रेसिडिशन आर अक्कर एट थ्री इंड कैपिंग अक्कर एट फाइव इंड सेवन मेथाइल ग्वानोसिन टाइफेट अक्कर होते हैं और इसमें पांच फाइव टू फाइव लिंकिंग होती है ठीक है फाइव टू फाइव लिंकिंग होती है ठीक है ना इसका पांच ये खैर आप लोगों में है नहीं इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं बताओ ये बात समझ में आ रही क्या बहुत ही आसान चीज है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है ठीक है ना कैपिंग फाइव इंड पे हो गई ठीक है ना चलिए मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है यानी यहां पे जो है फाइव फाइव लिंकिंग यानी सेवन मोदिन फॉस्फेट ये जो होता है बेटा एडीनाइलेट रीजन होता है ये लॉन्ग टेल रीजन होता है लॉन्ग टेल होती है जिसके अंदर हम लोगों को एडिनिन एड, एडिन एडिनिन पाए जाते हैं यानी ये हम लोग कहें लॉन्ग टेल होती है क्या होती है बेटा ये लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल में एडिनिन एडिन एडिनिन के रिपीट सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको एडीनाइलेट रीजन और टर्मिनल रीजन भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है ना बेटा बताइए ये सब बात क्या समझ में आई कैपिंग मैंने बता दिया टेलिंग बता दिया टर्मिनल इन पे थ्री इन पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कितने होते हैं 200 से 300 ठीक है कैपिंग पाँच पे होती है सेवन में थाइल गोसिन टाइफॉसफेड ट्रांसलेटेड रीजन ये होता है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं यूटीआर टी आर रीजन इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसलेटेड रीजन क्लियर है तो मैंने स्प्लाइसिंग बता दिया कैपिंग बता दिया आप लोगों को मैंने जो है इंटॉन एग्ज़ान का रिमूवल बता दिया कौन अच्छा होता है हम लोग बोलते हैं एग्जान को इंटॉन बेकार होता है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा जो है डीएनए से कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे यानी इनिशिएशन एलॉन्गेशन और टर्मिनेशंस की हम लोग बात करेंगे हम लोग सिग्मा फैक्टर की बात करेंगे अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा ये सब बेसिक पॉइंट थे जो आपको आना बहुत जरूरी है बताइए भाई सब लोग क्लियर है क्या मेरे ख्याल से क्लियर है तो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है तीन स्टेप और है इनिशिएशन इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन ये हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ही आसान है सारी चीजें जो तो समझा दी थोड़े बहुत टॉपिक गए ये हमारा जो है डबल स्टैंडर्ड डी एन एंड ये, ये फाइव ये, ये थ्री इंड क्लियर है थ्री इंड फाइव एंड फाइव थ्री इंड यहाँ पे बेटा आपने पढ़ा था प्रोमोटर रीजन होता है इस्माल बॉक्स होते हैं प्रोमोटर रीजन के और यहाँ पे जो होता है टर्मिनेटर होता है ठीक प्रोमोटर स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर ये जो प्रोमोटर होता है इसी में बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज होता है आरएनए पॉलीमरेज इसमें दो अल्फ़ा यूनिट होती है एक बीटा यूनिट होती है एक बीटा प्राइम होता है तीन चीज़ें होती हैं ठीक है ना दो अल्फा यूनिट एक बीटा यूनिट एक बीटा प्राइम यूनिट आर एन में मैं डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पोलीमरेस को आर एन बोल रहा हूँ अब इस प्रोमोटर रीजन क्या करता है प्रोमोटर रीजन में मैंने बहुत सारी बात बताई थी प्रिमनोज बॉक्स बताया था आप लोगों को प्रोग्राट में हॉगनेक्स बॉक्स बताया था ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था लेकिन मैं इस बार नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि पहला लेक्चर आप जरूर देखिएगा इसके लिए अब इसमें क्या होगा जो भी आर का फॉर्मेशन होगा यानी जो भी आर बनेगा ठीक है मैं खैर इधर ही बता दे रहा हूं सब जो भी आर चलो बता दे रहा हूं जो भी आर बनेगा वो किस स्टैंड से बनेगा बेटा ऊपर वाले स्टैंड से बनेगा यानी फाइव टू थ्री डायरेक्शन में बनेगा जिससे नया स्टैंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा टेम्पलेट क्या बोलते हैं टेम्पलेट हम लोग कहें हम लोग बोलते हैं सेंस या हम लोग कहें हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्टैंड या, या हम लोग कहें बेटा हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग इतने नाम है बेटा ठीक है इस प्रोमोटर क्या करता है प्रोमोटर प्रोवाइड करता है साइट फॉर दर एन ए पॉलीमरेज ठीक इसी आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पॉलीमरेज के ऊपर अटैच होता है बेटा इसी आर ठीक है यहां पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज कंबाइन यहां पे सिग्मा फैक्टर आता है सिग्मा फैक्टर यानी प्रोमोटर साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आइए लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के साथ बेटा कौन होता है सिग्मा फैक्टर इसको हम लोग कहें बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कोर इंजाइन क्या बोलते हैं कोर इंजाइन सिग्मा फैक्टर प्लस कोर इंजाइन को हम लोग पूरे को बोलते हैं होल इंजाइम कहें हम लोग या आपने पढ़ा होगा होलो इंजाइम पढ़ा है याद आ रहा है होलो इंजाइम क्लियर होल इंजाइम कहें या होलो इंजाइम कहें यानी सिग्मा फैक्टर सिग्मा प्रोटीन या सिग्मा फैक्टर हम लोग कहें एज वेल एज आर एन ए को हम लोग कंबाइंड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं पूरे को होलो इंजाइम या होल इंजाइम क्लियर है अब यही इसने किसने प्रमोटर साइड ने इसको प्रोवाइड किया जगह कि आरअ्य बोली मेरे तुम आओ और तुम अपना इनिशिएशन करो किसको ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन यानी इनिशिएट हुआ बेटा तो यहाँ से मैं रफ कर दे रहा हूँ यही स्टैंड मैं यहाँ बना रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे जी है जी 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 सी 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 तो जो नया स्टैंड बनेगा बेटा इसकी डायरेक्शन फाइव टू थ्री होगी तो जी की जगह सी जी की जगह सी जी की जगह सी ठीक है ना सी की जगह जी सी के अपोजिट में जी सी के अपोजिट में जी क्लियर है ये नए स्टैंड का फॉर्मेशन हुआ लेकिन लेकिन समझते जाइएगा ठीक है ना यानी सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर और आर एन ए पॉलीमेरेज ने स्टार्ट कर दिया इनिशिएशन ठीक और सिग्मा फैक्टर बेटा बाइंड कर जाता है किससे डीएनए से डीएनए से, से बाइंड करने के बाद वो आ, जो है न्यूक्लियोटाइट को अटैच करता जाता है यानी ये फॉरवर्ड माइनर में यानी आगे की तरफ ये मूव करता है तो मैं इस रीजन को थोड़ा सा दूसरी तरीके से दिखाऊं तो बात ज़्यादा समझ में आएगी ठीक इसने फॉर्मेशन करना शुरू किया इस तरीके से फॉर्मेशन जो है आ, होना शुरू हो गया ये जो है थ्री इंड है बेटा ये फाइव है ये फाइव है ये थ्री इंड है ठीक है ना तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है बेटा बाइंड कर रहा है डीएनए से और आगे की तरफ यानी ट्रांसलेशन आ, आ, ट्रांसलेशन कर रहा ट्रांसक्रिप्शन आगे की यानी लीडिंग स्टैंड यानी आगे की तरफ मूव करा रहा अटैच करा रहा है ठीक है न्यूक्लियोटाइड के बेसिस को अब ये अटैच जैसे जैसे हो रहे हैं तो आगे का स्टेप आता है बेटा इलांगन ठीक आफ्टर इलांगन दो चीजें होती है। एक सिग्मा फैक्टर होता है एक रो फैक्टर होता है ठीक अब रो फैक्टर दो तरीके से होते हैं रोह डिपेंडेंट और रोह इंडिपेंडेंट तो हमारे में रोह डिपेंडेंट वाली मैकेनिज्म है मैं रोड डिपेंडेंट वाली ही आपको बताऊंगा पहले आप बताइए क्या यहां तक समझ में आ रहा है जो आ रहे मैं यहां बना रहा था अब मैं इसी में बना रहा हूं ठीक है ना तो बताइए भाई फटाफट पहले मुझे क्या बात क्लियर हो रही है बताइए भाई मेरे ख्याल से बात क्लियर है चलिए अब हम लोग सिग्मा आ, सिग्मा फैक्टर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो सिग्मा फैक्टर की एक खास चीज आप लोग देखिए सिग्मा फैक्टर का फंक्शन आप देखिए पहले सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है सिग्मा फैक्टर अटैच आरएनए पॉलीमरेज एंड बाइंड द प्रोमोटर साइट ठीक किस साइड में जाके बाइंड कर रहा है बेटा प्रोमोटर की साइड में अब प्रोमोटर की साइड में जब बाइंड किया उसके बाद ये क्या करता ओपन दी ओपन दी हेलिक्स ऑफ डीएनए हेलिक्स ऑफ डीएनए ठीक है ना अब उसके बाद इलोंगेशन रीजन आएगा इलागेशन रीजन में भी आरण्य पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर हेल्प करते हैं ठीक उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं रो फैक्टर आके अटैच होता है कौन सा फैक्टर रो फैक्टर अब यही जो रो फैक्टर है बेटा समझिए यही जो रो फैक्टर है ये रो फैक्टर यूजेस एनर्जी यूजेस एनर्जी यानी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है यानी एनर्जी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ठीक अब यही रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शंस को आगे ले जाता है ठीक है ना ट्रांसक्राइब आरएनए इन अ फॉरवर्ड वे ठीक और ये रो फैक्टर फाइव इन से टर्मिनल रीजन तक ले जाता है फॉरवर्ड वे या हम लोग कहें ट्रांसक्राइब आर एन ए इन अ टर्मिनल रीजन क्लियर टर्मिनल रीजन तक लेके जाता है इसके बाद ये क्या करेगा बेटा आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करके उसको स्टॉप कर देता है नया नया आरएनए का सीक्वेंस आपका यही आरएनए सीक्वेंस रिलीज हो जाएगा यही आरएनए सीक्वेंस रिलीज हो गया अब ये कहाँ आ गया बेटा साइटोप्लाज्म में क्लियर है बात बताइए भाई ठीक रो फैक्टर क्या करता है मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनेशन रीजन ठीक है ना वो अटैच रहता है बेटा किससे नए स्टैंड के आर से ठीक है ना ये तब तक अटैच रहता है रो फैक्टर नए स्टैंड के आर से जब तक ये वहां से डिटैच ना हो जाए और यही रो फैक्टर ही रो फैक्टर ही इसको डिटैच कराता है किससे डीएनए से क्योंकि सिंगल आर एन एज ऑल्सो फॉर्म हेलिक्स विद द डबल स्ट्रैंड डीएनए। इट एट ऑल्सो रिमूव दी रो फैक्टर आल्सो एक्ट एज हेलिकेज हेलिकेज ठीक है ना जो क्वाइलिंग होती है बेटा उसको भी यही रो फैक्टर रिमूव कर देता है क्योंकि इस वाले स्टैंड के साथ ये क्या करता है बेटा क्वाइलिंग बना लेता है तो रो फैक्टर इसके साथ तब तक अटैच होता है जब तक कि इसको यहां से निकाल ना दे और ये डबल हेलिक्स जो uh, uh, क्वाइलिंग कर रही थी इस क्वाइलिंग को भी रिमूव कर देता है ठीक है ना तो इतनी ही चीज थी इनिशिएशन था इलॉन्गेशन था टर्मिनेशन था अब जो है प्रोमोटर साइड में आके बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर और शुरुआत हो जाती है जो इनिशिएशन की बीच का स्टेप जो होता है इलॉन्गेशन होता है इलांगेशन में भी सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व होता है टर्मिनेशन रो फैक्टर रोक देना यानी आर पॉलीमरेज का सिंथेसिस रोक देना टर्मिनेशन कर देना टर्मिनेशन रीजन पर ले जाता है कौन रो फैक्टर रो फैक्टर भी क्वालिंग को भी प्रिवेंट करता है और आर पॉलीमरेज के साथ तब तक आर एन ए

प्लांट ग्रुप के बाद हम लोग मारफॉलजी पढ़ाएंगे फिर हम लोग आ, प्लांट की एनाटॉमी पढ़ लेंगे सारे चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी उसके बाद जो जो डिमांड होगी आप बताइएगा फिर हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट में और भयानक पढ़ाएंगे उसको ठीक है ना बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग